हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी परीक्षा के लिए जीके जीएस और हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, हड़प्पा शहर धौलावीरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए, जो पहला ऑप्शन है और जो दूसरा ऑप्शन है, ये सही हो जाएंगे। देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है, कई हड़प्पा स्थलों में दीवारों वाला एक मध्य शहर और निम्न शहर मिट्टी के ईंटों के बजाय बलुआ पत्थर या चूना पत्थर से बना था। दूसरे ऑप्शंस में क्या बताया जा रहा है, अद्वितीय डिजाइन वाले नौ द्वार और कब्र स्तूप की विशेषता वाली अनुष्टि संबंधी वास्तुकला बौद्ध स्तूप जैसी अर्धगोलाकार संरचनाएं धौलावीरा स्थल की कुछ अद्वितीय विशेषताएं हैं। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय पर्वत प्रणाली किस प्रकार की स्थलाकृति का निरूपण करती है। तो हिमालय पर्वत प्रणाली जो है ना, ये युवा स्थलाकृति का निरूपण करती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चंस की, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है। विटामिन ए की कमी, वर्धनता, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा गाइस, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा है दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा गाइस, संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्प के किस भाग में एक एकल अंडप या संलिपित अंडप का समूह होता है, जो आम तौर पर अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र में विभेदित होते हैं और पराग और निषेचन प्राप्त करने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। स्त्री केसर, तो स्त्री केसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए, बाबर ने राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई लड़ी थी। तो बाबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किसके भाई थे। तो मोहम्मद गौरी जो है ना, गौरी के सुल्तान गयाथ अल दीन के भाई थे। चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को मौलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखिए, भारत के मिजोरम राज्य को मौलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति का साधन का उपयोग किया जाता है। तो मौद्रिक नीति आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से किस प्रकार के चक्रवात पश्चिम बंगाल और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं। कौन से चक्रवात पश्चिम बंगाल और हिंद महासागर से उत्पन्न होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत में सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। तो गयासुद्दीन बलबन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, शाहजी की डेयरी में स्तूप किसने बनवाया था? तो शाहजी की डेयरी में स्तूप जो है ना कुषाण राजा कनिष्क ने बनवाया था, तो कुषाण राजा कनिष्क आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि बुग्याल शब्द का क्या अर्थ है? तो बुग्याल शब्द का अर्थ है हिमालय में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान, तीसरा ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस ब्रह्मपुत्र घाटी ये कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ना ये असम में स्थित है, तो असम आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, बहमनी साम्राज्य को चार प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था जिन्हें खालिस्तान या प्रांत कहा जाता था, जिन्हें देखिए तरफ या प्रांत कहा जाता था, दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता था? किस पल्लव राजा को लोकप्रिय रूप से राज सिंह की उपाधि से जाना जाता था? नरसिंह वर्मन द्वितीय को, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय आपका सही आंसर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इसे देखिए मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो देखिए चौथा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है, इसमें देखिए चार मीनार का जो है ना हैदराबाद से हो जाएगा, और इसके बाद आपका चराफ ए शरीफ का बड़गाम से हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद विष्णुपद मंदिर का गया हो जाएगा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू, तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद के बीच सही संबंध को दर्शाता है? तो देखिए इसमें जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा, जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है तो औसत उत्पाद गिर जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्तूप की संरचना में हर्मिका क्या है? तो स्तूप की संरचना में हर्मिका अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर बालकनी जैसा संरचना है, दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तट तीर इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या होगा? देखिए तट तीर इन पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है किनारा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में लोकतृति और उसका अर्थ सुमेलित है? आधा अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनी अपनों को दे, अपने अधिकार का लाभ अपनों को ही पहुंचाना, दूसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द कंज का पर्यायवाची नहीं है? स्तर जो है ना स्तर ये कंज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उचित तत्सम शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करें। कल शाम विवेक और सुनीता का विवाह समारोह है, हम सब इस समारोह में जाएंगे, दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा विवाह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आम वृक्ष शब्द का सही समास विग्रह नीचे दिए विकल्पों से कीजिए। आम वृक्ष यानी कि आम्र है जो वृक्ष, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह यहां क्या आया था? निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द व्याकरण के नियम का पालन नहीं करता है? वह यहां क्या आया था, तो क्या जो है ना आपका ये व्याकरण नियम का पालन नहीं करता है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त संधि चुनिए। दुर्धनदर्श यानी कि दुदर्श, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भीति का अर्थ है भय, इसका श्रुति भिन्नार्थक शब्द है भीत, इसके अर्थ से वाक्य पूर्ण कीजिए। घर की खालिस्तान टूट जाती तो घर की इज्जत बाहर आ जाती है, घर की दीवार टूट जाती तो घर की इज्जत बाहर आ जाती है, तो दीवार आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से विकल्प में पर्यायवाची का सुमेलन नहीं है? तो कमल और सारंग, इसमें देखिए पर्यायवाची का सुमेलन नहीं है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समास विग्रह संधि विच्छेद से किस प्रकार अलग है? इस अंतर की पहचान करते हुए समास विग्रह के सही गुण का चयन कीजिए। इसमें पदों के प्रत्यक्ष समाप्त कर दिए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, खंड अव्यय इन पर्यायवाची शब्दों का अर्थ क्या हो? देख, खंड अव्यय इन पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है भाग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द बल्लभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए, कलत्र जो है ना, ये बल्लभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिए, केस का पर्यायवाची शब्द होता है चिकुर। तो चिकुर आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसा पहले था वैसा ही वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निम्नलिखित में से है। जैसे पहले था वैसा ही, यानी यथा पूर्व। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में कारक चिन्ह है, चाकू से काट दो इसे, से ये कारक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? सर्वनाम वाक्य का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, इतनी सी बात पर वा तेरे से रूठ गई। पहला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। तो अग्रज आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें, रिक्त स्थान की पूर्ति तत्सम शब्द से करें। पनघट पर रखे सभी, खाली स्थान संतोष ने ही फोड़े हैं, यानी घट। पहला ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस, जग जननी का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जन जननी। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, फरफंद रचना, उपरोक्त मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फरफंद रचना, माया जाल बिछाना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस, एक गद्यांश दिया गया है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस प्रश्न के उत्तर दें। अन्य कलाओं की भांति साहित्य जीवन की अव्यक्ति, साहित्य व्यक्ति और समाज के भावों और विचारों की अव्यक्ति का माध्यम है। इससे हमारे सुख दुख, हमारी आशा निराशा, सफलता असफलता और हमारे गुण अवगुणों का चित्रण रहता है। समाज के सभी अवयव, अमीर और गरीब, भले और बुरे, युवा और वृद्ध, स्त्री और पुरुष, सबका दिल और दिमाग अपने साहित्य में स्पंदित होता रहता है। जिस समाज में साहित्य नहीं होता, उसके हृदय और मस्तिष्क की गति का लेखा जोखा नहीं होता, उसके विचार बुलबुले के समान छड़मुंगर होते हैं। साहित्य ही किसी समाज के विचारों को चिरस्थायी बनाता है। तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस है गाइस कि हमारे सुख दुख, आशा निराशा, सफलता असफलता और गुण अवगुणों का चित्रण किससे रहता है? साहित्य में रहता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए गद्यांश ये भी है वैसे ही है, साहित्य किसका माध्यम है? तो देखिए, साहित्य जो है ना, व्यक्ति और समाज के भावों का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? साहित्य और समाज। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस समाज में साहित्य नहीं होता, उसका विचार कैसा होता है? बुलबुले के समान छड़मुंगर होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा, समाज के विचारों को चिरस्थायी कौन बनाता है? साहित्य बनाता है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।